हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगामी लोकसभा 2019 चुनाव तथा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम योगी ने की मैराथन बैठक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने वार्डों का किया निरीक्षण, बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे सफाई कर्मियों को देख हुई चिंतित, कहा गोरखपुर में नहीं है सफाई व्यवस्था दुरुस्त। बुधवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के बलवरिया में हुई हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया हाईवे पर शव रखकर जाम, एसपी दक्षिण विपिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर खुलवाया जाम। बेलीपार थाने में तैनात उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया निलंबित। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ किया समीक्षा बैठक, कहा सफाई कर्मियों को मिले मिनिमम वेज, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आरपीएफ ने कराया बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य समस्याएं एवं उनके निराकरण विषय पर सेमिनार, मुख्य वक्ता ने कहा बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना प्रत्येक नागरिक का है कर्तव्य। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने आयोजित की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने बतौर मुख्य अतिथि किया शिरकत, रिटायर्ड ऑफिसर्स और अधिकारियों के साथ हुआ विचार विमर्श। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा एवं मूल्य विषय पर आयोजित हुई विशिष्ट व्याख्यान माला, वक्ताओं द्वारा शिक्षा और मूल्य को किया गया परिभाषित। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मिले सफाई कर्मी, बताई अपनी समस्या, मिला उचित कार्रवाई का आश्वासन।